Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and in this video I am going to talk about why conditioning hair is very important, and also I'm going to suggest you guys two products for your hair care routine so that your hair will look so shiny and non-frizzy. This video is for you guys if your hair type is dry, very frizzy, and sometimes it gets itchy and oily if you use conditioner. And if you don't use conditioner, then please watch this video till the end and let's start this video right now. But before starting this video, let me just tell you about my hair type. So my hair type is very dry and frizzy as it has natural curls, but let me show you. See, I can move my hand into my hair very easily and effortlessly, but before 15 days I was not able to do that, and right now I can do that and I am very happy with my hair right now. And what I have done in these 15 days, तो मैं वो आपको बताऊंगी, एंड आई होप इट विल हेल्प यू इफ योर हेयर टाइप इज सिमिलर टू मी. एंड सो आई वॉन्ट टू एड वन मोर पॉइंट, अगर आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली होता है इफ यू यूज कंडीशनर, देन दिस वीडियो इज फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि दो कंडीशनर मैं सजेस्ट करूंगी एंड आई होप उनमें से एक भी आपके काम आ सकता है. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो फुल. So let's start. What I have changed in my hair care routine is I stopped using hot water. So I used to use hot water to wash my hair, and also मैं क्या करती थी, मैं directly shampoo use करती थी. Now what I do, I take a bowl और जो भी कुछ mug रहता है उसमें I take half mug of water and I pour some shampoo, a very less amount, and उसका फॉग बना के आई यूज इट टू टाइम्स. आई यूज शैम्पू ऑन माई हेयर. फर्स्ट जब मैं थोड़ा सा शैम्पू यूज करती हूँ तो थोड़ा सा डर्ट या फिर जो भी ऑयलीनेस है वो चला जाता है, एंड आफ्टर दैट सेकेंड टाइम मैं यूज करती हूँ वॉश करके मैं कंडीशनर अप्लाई करती हूँ. एंड इन ऑल दिस प्रोसेस आई यूज कोल्ड वाटर, डायरेक्टली कोल्ड वाटर. इफ अगर आपको कोल्ड वाटर से सर्दी या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है, फीवर आता है, तो प्लीज अवॉइड दैट. यूज वार्म वाटर, लुक वार्म वाटर, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ यूजिंग नॉट यूजिंग हॉट वाटर. तो यह मैंने नोटिस किया है विदिन दिस 15 डेज की हॉट वाटर अगर आप यूज करते हो, एंड इफ यू हैव कर्ली हेयर लाइक मी एंड वेरी ड्राई टाइप हेयर टाइप, तो हॉट वाटर बहुत ही ज्यादा गंदा रहता है आपके हेयर के लिए. डोंट यूज इट, विल क्या कहते हैं, हेयर का टेक्स्चर जो है वो बहुत ही खराब हो जाता है हॉट वाटर से. सो दैट इज द फर्स्ट टिप. देन द सेकेंड टिप आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू इज यूज कंडीशनर. गाइज, यूजिंग कंडीशनर इन योर हेयर केयर रूटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप बाल धोते हो शैम्पू से तो हेयर का टेक्स्चर जो है वो चला जाता है, थोड़ा सा ड्राई होता है. एंड यूजिंग कंडीशनर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स यू वेरी, इट्स लाइक अ स्किन. जब आप फेस वॉश करते हो उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगाते हो, सेम विद द हेयर. जब आप शैम्पू से हेयर वॉश करते हो उसके बाद आपको एक मॉइस्चराइजर लगता है, एंड यू मस्ट यूज कंडीशनर. इफ मैं भी नहीं करती थी तो अभी मैं करती हूँ बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट एंड अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट इन माई हेयर, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट. सो ट्राई इट एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपने विद इन 15 डेज ही आपको रिजल्ट पता चलेगा. तो प्लीज ट्राई इट एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपका क्या हेयर केयर रूटीन था एंड अभी क्या है एंड हाउ इट इज वर्किंग. तो प्लीज लेट मी नो. लेट्स टॉक अबाउट टू कंडीशनर दैट आई वॉज गोइंग टू टेल यू अबाउट, एंड आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू गाइज टू यूज इफ दिस टू कंडीशनर्स. सो फर्स्ट वन इज फ्रॉम वाव स्किन साइंस कंडीशनर, एंड वाव के प्रोडक्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी फेमस है, एंड इट्स इन बोथ वेज एक्चुअली कॉन्ट्रोवर्शियल भी है बहुत सारा, बट या आई लाइक दिस प्रोडक्ट फ्रॉम वाव. इसमें ना ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल है, एंड कोकोनट ऑयल इज वेरी वेरी इसेंशियल फॉर योर हेयर हेयर केयर. तो ये क्या करता है कि आपको बहुत ही अच्छा नरिशमेंट देता है आपको, आपके हेयर को. ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल है इसमें, एंड अलॉन्ग विद दैट इट हैज एवोकाडो ऑयल विच, एंड ऑल्सो इट इज गुड फॉर कलर ट्रीटेड हेयर. लाइक मेरे अभी तो ज्यादा दिख नहीं रहा है, बट आई हैव ब्लीच्ड माई हेयर अ लॉट ऑफ टाइम टू कलर माई हेयर, एंड तो अगर आपके बाल कलर किए हुए हैं तो इट इज ऑल्सो वेरी वेरी यूजफुल. तो आपको ना ये इसका स्मेल भी बहुत ज़्यादा सूदिंग है, एंड ये जो प्रोडक्ट है तो आपको कितने में मिलता है, 495. कुछ तो डिस्काउंट मिलेगा वाव की वेबसाइट पे ही, नहीं तो फिर इधर उधर आप देखो थोड़ा. आई ऑल्सो शेयर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. इन 495 रुपीज़ यू विल गेट 300 ml ऑफ प्रोडक्ट, एंड इसके दो या तीन पंप ही आपको, मतलब मुझे अभी मैं ट्रीट कर रही थी मेरे हेयर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रीजी एंड ड्राई हो रखे थे, तो आई यूज टू यूज 3 पम्प्स
एट मैक्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसेंशियल था. बट इफ़ अगर आपके बाल अभी नॉर्मल है एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड कंडीशनर, देन यू कैन यूज़ दिस कंडीशनर. इट्स वेरी वेरी अमेजिंग एंड इट विल ट्रीट योर हेयर वेरी वेल. देन सेकेंड कंडीशनर फॉर यू गाइज इज दिस. दिस इज़ फ्रॉम कोकोसॉल कंडीशनर. एंड अच्छा, एक भूल गई बताना, ये कंडीशनर है, ये जो है ना आप स्कार्प पे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है? तो आपको सिर्फ हाथ में इसे लेके ये जो लेंथ है आधे से नीचे वहाँ पे ही लगाना है एंड फिर नीचे टाई करके आपको फिर रखना है आफ्टर डूइंग शैम्पू. एंड उसके बाद नॉर्मल वाटर से या फिर लुकवॉर्म वाटर से आप धो सकते हो. आई डू कोल्ड वाटर वॉशिंग. तो या दैट इज़ दैट. एंड अबाउट दिस प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट जो है इसमें भी कोकोनट है एंड इट ऑल्सो स्मेल्स सो अमेजिंग. इट्स वेरी सूदिंग. एंड अभी ये मुझे आया है, इट्स एक्चुअली लाइक कोलैबोरेशन के लिए आया है, बट आई एम रिव्यूइंग दिस प्रोडक्ट एंड आई फील वेरी हैप्पी टू हैव दिस प्रोडक्ट इन माई हेयर केयर रूटीन. क्योंकि ये जो है ना, ये स्काल्प पे भी हम लोग लगा सकते हैं. सो कभी कभी क्या होता है गाइज, कंडीशनर जब आप स्काल्प पे लगाते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इफ इट इज, यहाँ पे ना लिखा रहेगा कि हाउ टू यूज इट. इफ इट इट इज अलाउड टू यूज ऑन स्काल्प, देन ओनली यूज दैट. जो यहाँ पे लिखा है स्काल्प पे लगाओ तो आई कैन यूज इट. तो ठीक है, जो वो लगाते हो स्काल्प पे कंडीशनर, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है. बट आफ्टर यूजिंग दिस कंडीशनर आई फील लाइक नहीं, मुझे मेरा स्कल्प कब ऑयली नहीं लगा है. तो या इट इज़ हेल्पफुल फॉर दैट. एंड इसमें कोकोनट ऑयल है एंड अलॉन्ग विद दैट इट हैज हिबिस्कस. हिबिस्कस ऑयल इज वेरी यूजफुल. आई रिमेंबर इन माई चाइल्ड हुड माई मॉम, माई ग्रैंड मदर यूज टू मेक हिबिस्कस ऑयल एट होम. एंड राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज वी शिफ्टेड इन सिटी एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक हिबिस्कस ऑयल एट होम. बट इसमें हिबिस्कस है तो आई फेल्ट कि या ओल्ड गुड डेज बैक. ठीक है, तो या दैट इज ऑल अबाउट इट. इट्स नॉट अफोर्डेबल one, but if you want a very good conditioner, if you have curly hair and dry and frizzy, very frizzy hair, then it's very useful. I use 4 pumps of this क्योंकि I don't know why, but I feel ठीक है, ज़्यादा इसका pump नहीं heavy, but ठीक है, control रहता है, थोड़ा थोड़ा quantity में आता है, but you can use it according to your preference. तो मैं 4 pumps maximum इसके use करती हूँ, नहीं तो फिर 3 use करती हूँ. And इसका price है $7.99 and you will get 200 ml of product. And ये दोनों products है. तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये 100% वीगन, क्रुएल्टी फ्री है, ग्लूटेन फ्री है. तो या गाइज, दैट इज ऑल अबाउट कंडीशनर सजेशंस. तो ये मेरे पास 2 कंडीशनर है एट माय होम राइट नाउ. आई एम यूजिंग बोथ. मैं ये रिव्यू कर रही थी तो राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस, बट बिफोर दैट आई वाज यूजिंग दिस. एंड मेरी आई भी यही यूज करती है तो उसको भी ये पसंद है. तो राइट नाउ दिस वन इज यूजिंग दिस वन. ये मम्मा का फेवरेट है एंड ये मेरा फेवरेट है. ओके गाइस, सो आई थिंक दैट इज प्रीटी मच इट अबाउट माय हेयर केयर रूटीन. एंड ये जो हेयर केयर रूटीन मैंने अभी बताया, ये अभी 15 डेज में मैं फॉलो कर रही हूँ. शैम्पू इफ यू आस्क मी देन इट्स नॉट येट. एक्चुअली मुझे एक बहुत ही अच्छा शैम्पू अभी तक नहीं मिला है. तो वंस आई गेट अ वेरी गुड शैम्पू फॉर माई हेयर टाइप, देन डेफिनेटली आई शेयर दैट. बट आई रियली वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंडीशनर. इफ यू आर नॉट यूजिंग कंडीशनर इन योर हेयर केयर रूटीन, देन प्लीज डू इन्वॉल्व कंडीशनर इन योर हेयर केयर रूटीन. इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर हेयर. इट वर्क्स एज मॉइस्चराइजर फॉर योर हेयर. एंड yeah, that is pretty much it about my hair care routine, about suggesting you guys 2 products which help me a lot. I hope it will help you too. And there is a little disclaimer, even though these 2 products won't work for you, but let me tell you guys, the routine I told you in this video, means including conditioner in your hair care routine, that will work 101% for everyone. Even you have silky hair, non-frizzy hair, then also use conditioner, because it's very very important. As you are using moisturizer on your face like that, you have to use moisturizer on your hair also. And guys, take care of your hair and after that you will see some happy hair with you. Yeah, so that's it guys for the today. I hope you enjoy watching this video. I hope this video is helpful for you guys. And if you feel that it is helpful for you, then you know the drill, like, comment and share. Also don't forget to subscribe and press bell icon nearby so that whenever I upload new video for you guys, you will be the first one to get updates from me. And guys, love you, bye bye, see you in the next video. Till then, take care.